reached a fever pitch when there remained just a tiger for tiger to achieve his tally of the 100. अब यहाँ पे महाराजा की एंग्जायटी मतलब क्या होता है, बेचैनी वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उनके अब जो प्रेडिक्टेशन की थी एस्ट्रोलॉजर ने और या उनके जो बहुत ही मतलब उन्होंने जो प्रण लिया था वो पूरा करने में सिर्फ एक टाइगर उन्हें चाहिए था 100 टाइगर, वो ही मतलब उन्हें एक ही टाइगर को किल करने की यानी मारने की ज़रूरत थी। उनके जो टैली यानी का गिनती होती है 100 की, उनमें एक ही टाइगर बचा हुआ था, बाकी था उनका गोल अचीव करने के लिए। आगे क्या कहते हैं, ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम एट नाइट, वो सुबह शाम बस इसी के बारे में सोचते रहते थे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था जब उन्होंने प्रण लिया था कि वो 100 टाइगर को मारेंगे, तब उन्होंने ये भी प्रण लिया था कि वो किसी और मैटर में राज जाके किसी और मैटर में मतलब कि ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ अपने प्रण के ऊपर ध्यान देंगे पूरे को पूरा। बाय दिस टाइम द टाइगर फार्म हैड रन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम। अब यहाँ पे ऐसा होता है कि जो उनके फादर इन लॉ का किंगडम था राज्य था वहाँ पे भी ड्राई मतलब कि खत्म हो रहा, ड्राई मतलब कि ना दिखना खत्म हो जाना, मतलब कि टाइगर की जो पॉपुलेशन थी वहाँ पे भी खत्म हो चुकी थी, वहाँ पे भी टाइगर नहीं बचे थे। वो आगे कहते हैं कि इट बिकम इम्पॉसिबल टू लोकेट एक टाइगर एनीवे, मतलब कि ये किसी टाइगर दिख जाए ऐसा तो इम्पॉसिबल था, कहीं पर टाइगर दिख ही नहीं रहे थे। Yet, only one more was needed. अब एक की जरूरत थी। If he could kill just the one single beast, तो महाराजा would have to no fear left. अगर अब वो एक लास्ट जो 100 टाइगर बचा था उसे मार देंगे उसके बाद जो महाराजा का जो फियर था वो चला जाएगा। He would give up tiger hunting altogether. और वो जो है टाइगर हंटिंग है उसे हमेशा के लिए छोड़ देंगे ये 100 का टाइगर मारने के बाद। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद द लास्ट टाइगर। अब जो लास्ट टाइगर था 100 टाइगर था उसके साथ उन्हें बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना था। व्हाट ही हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर से बिकॉज वो जो एस्ट्रोलॉजर था उसने कहा था लेट, यहाँ पे इसलिए लगाया गया है क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजर अब नहीं रहा, मतलब कि वो डेड उसकी डेथ हो चुकी है। तो वो डेथ मतलब कि डेट जो एस्ट्रोलॉजर है वो उसने बोला था जब नहीं रहा है उसने कहा था कि आपको 100 पे टाइगर से सावधान रहना पड़ेगा, भले ही आप 99 टाइगर मार दोगे पर जो 100 पे टाइगर होगा वो आपकी मौत का कारण हो सकता है। इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर महाराज शुड बी बेयर ऑफ द 100, उनसे जो प्रेडिक्टेशन की थी कि आप भले ही 99 टाइगर मार दिए पर 100 में टाइगर से आपको सावधान रहना पड़ेगा। ट्रू इनफ द टाइगर वाज अ सेवेज बीस्ट, सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल। सो ये भी है कि टाइगर तो एक प्रकार का मतलब कि बीस्ट ही होता है, उसके हाथों का मतलब कि वो से कोई बच नहीं सकता था, महाराजा है वो बहुत ही जब जो बहादुर थी उसके बहादुर थी, तो उन्होंने 99 टाइगर अपनी एक ही महीने में उनको मारते रहे हैं और मारते आए हैं। वन हैड टू बी वरी ऑफ इट, अब यहाँ पे एक जो है वो वरी की बात है, बट वेयर वॉज द 100 टाइगर टू बी फाउंड, चिंता की बात ये थी कि कहाँ पे वो 100 का टाइगर जो एक लास्ट टाइगर बचा है वो ढूंढा जाए। इट्स इजियर टू फाइंड अ टाइगर्स मिल्क देन अ लाइव टाइगर। अब यहाँ पे जो हमारे राइटर ने उन्होंने एक पर्सनिफिकेशन किया है, मतलब कि उन्होंने किसी बात को बड़ा खड़ा के जब हम बोलते हैं मतलब फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया है, तो वो क्या बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि लाइव टाइगर ढूंढने से ज़्यादा आसान तो किसी टाइगर का दूध मिल जाना है, मतलब कि किसी टाइगर का दूध मिल जाना वो तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है किसी लाइव टाइगर के मिलने से ज़्यादा, क्योंकि अगर आप उसका मिल्क निकाल मतलब कि मिल्क लेने जाओगे लाइव टाइगर का जिंदा टाइगर का तो आपको वैसे ही मार के खा जाएगा, तो लाइव टाइगर मिलना इससे आसान नहीं है कि उसका दूध मिले इससे। तो यहाँ पर थोड़ी जो है वो आयरन यूज़ की है, यहाँ पे थोड़ी जो फिगर्स की जो उसका यूज़ किया गया है। तो द महाराजा वॉज शॉक इन ब्लू, अब यहाँ पे महाराजा है वो एक एंजाइटी थी उन्हें और एक ब्लू था मतलब वो दुखी हो जाते हैं निराश हो जाते हैं। बट सून कम द हैप्पी न्यूज विच डिस्पेल्ड द ग्लूम, अब यहाँ पे उनको एक न्यूज़ मिलती है जो उनके ग्लूम को हटा देती है, उन्हें हैप्पी मतलब वो हैप्पी हो जाते हैं।
गए थोड़े से एंड देयर इन हिज ओन स्टेट ही बिगन टू डिसअपीयर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम द हिल साइड ऑफ विलेज। अब यहाँ पे जो हिल साइड के विलेजेस थे वहाँ पे से अचानक से शिप थी वहाँ पे वो गायब होने लगे थे। तो ये है वो एक उनके लिए हैप्पी न्यूज थी क्यों इट वॉज द फर्स्ट एसेंशियंस दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादर मेन्सा और बीरसा की नहीं कर। अब यहाँ पे सबसे पहले पता लगाया जाता है कि ये काम खादर मेल और वीरासा भी नहीं करता तो नहीं है कहीं वो फेम फॉर देयर एबिलिटी टू स्वर्व सेक वॉल जो जाने जाते थे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे फेम्ड थे उसके लिए पूरी की पूरी शिप एक साथ में खा जाने के लिए जो प्रसिद्ध थे कहीं उनका काम तो नहीं है वो तो शिप नहीं ले जा रहे हैं गायब कर रहे हैं। तो ये पहले वो इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कहीं इन दोनों का काम नहीं है तो पता चलता है कि नहीं इन दोनों का काम ये नहीं है श्योरली टाइगर वॉज एट वर्क श्योरली वो टाइगर ही है जो ये सब कर रहा है। द विलेजर्स रन टू इन्फॉर्म द महाराज द महाराजा अनाउंस द थ्री ईयर एक्सेम्प्टशन ऑफ द ऑल टैक्सेस फॉर द विलेज एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस। अब महाराजा वहाँ पे जो विलेजर्स थे वो महाराजा को ये बताने जाते हैं और महाराजा क्या करते हैं महाराजा अनाउंस करते हैं कि जो ये विलेज है वहाँ से 3 सालों के लिए सब टैक्स हटाए जाए हटा दिए जाए और आगे क्या होता है टाइगर वॉज नॉट और जो महाराजा वहाँ पे हंट करने के लिए जाते हैं तो टाइगर वॉज नॉट ईजी हम टाइगर है वो बहुत ही आसानी से मिलता नहीं है इट सीम्स एज इफ इट हैड अ मेंटली मेक इटसेल्फ इन ऑर्डर टू फॉल्ट ऑफ द महाराजा से। अब उसे मतलब यहाँ पे क्या होता है टाइगर किसी से नहीं मिल रहा है ऐसा लग रहा है कि वो टाइगर है वो महाराजा की इंसल्ट कर रहा है उनकी रिस्पेक्ट की इंसल्ट कर रहा है और वो उसके सामने नहीं आ रहा उनके छुप गया है कहीं जाके ऐसा उनको महाराजा को फील होता है। तो महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड पर महाराजा कैसे थे वो भी अपने प्राउंड के पक्के थे वो एकदम अपने मतलब कि जो करना है वो करना है ऐसे पक्के थे डर अपने निश्चय में ही रिफ्यूज टू लीव टू फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड। वो यहाँ से मतलब कि जो फॉरेस्ट है वहाँ से जाने से मना कर देते हैं जब तक टाइगर फाउंड नहीं होगा उन्हें मिल नहीं जाता। एज द डे पास्ड महाराजा फ्यूरी एंड ऑब्स्टिनेसी माउंटेड अलार्मिंग मेनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स। अब यहाँ पे क्या होता है थोड़े दिन निकलते हैं तो फिर उन्हें अभी तक टाइगर नहीं मिला है तो महाराज बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिनेसी हो जाते हैं फूरी हो जाते हैं मतलब कि वो ज़्यादा बहुत गुस्सा हो जाते हैं बेचैन हो जाते हैं और उनका जो ईच है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसके कारण क्या होता है वहाँ के जो ऑफिसर्स होते हैं वो अपनी जॉब्स खो रहे होते हैं मतलब महाराज उनको निकाल देते हैं अपनी जॉब से उतना उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन आ चुका है गुस्सा आ चुका है क्योंकि वो एक टाइगर जब तक उन्हें नहीं मिला है। वन डे व्हेन ही रेज वाज एट इट्स हाइट महाराजा कॉल्ड द दीवान एंड ऑर्डर हिम टू डबल द लैंड टैक्स फॉर मी। अब यहाँ पे जो टैक्स 3 साल के लिए कम किए मतलब 3 साल के लिए उन्होंने टैक्सेस रिफ्यूज कर दिए थे जिस गांव पे अब वहाँ पे डबल टैक्स जो डबल टैक्स हैं वो लगाने के लिए महादीवान को बोलते हैं तो महादीवान क्या कहते हैं द पीपल विल बिकम डिस्काउंटेड। अब यहाँ पे बोलते हैं कि दीवान के अगर महाराज आप ऐसा करोगे तो जो यहाँ के पीपल से वो बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाएंगे नाखुश हो जाएंगे दुखी हो जाएंगे। Then our fate too will fall a prey to an international congress. अब यहाँ पे then our state too will fall prey to an international congress. In fact, yes, you may resign from your post, said the king. अब यहाँ पे बोलते हैं कि अगर आपसे नहीं होता है ये सब मैं आपको जो बोल रहा हूँ तो आप ही अपने पोस्ट पे रिजाइन कर दीजिए तो वो विकास को भी रिजाइन करने के लिए बोलते हैं और इंटरनेशनल कांग्रेस जब यहाँ पे थी स्टेट में वहाँ पे तो वहाँ पे भी उन्होंने मतलब कि जो ये टैक्सेस था अगर इंडिया ज़्यादा था क्योंकि वहाँ पे भी कौन सा अंग्रेजों का मतलब राज चल रहा था तो ये सब टैक्सेस इंडियन नेशनल कांग्रेस वहाँ पे सब कुछ उनका ज़्यादातर राज चल रहा था महाराज का भी ऊपर वो लोग रहते थे तो दीवान को भी वो बोलते हैं कि आप अभी रिजाइन कर दो उससे अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो दीवान है वो ठीक है छोड़ देता है ये सब करना और वो अपने घर जाता है। That if his Maharaj did not find the tiger soon, the result could be a catastrophe. अब catastrophe मतलब क्या होता है बहुत ही भयानक बहुत ही खराब रिजल्ट आने वाला है अगर महाराज को जो
रखा है अपने ही घर पे, जहाँ पर उन्हें छुपा के रखा होता है, बहुत फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास, मद्रास में पीपल पार्क है वहाँ से लाया गया था वो टाइगर, एंड देयर हिडन इन हिज होम, और वहाँ पे अपने घर पे उसने छुपा के रखा था। एट मिडनाइट व्हेन द टाउन स्लेप्ट इन द पीस द दीवार एंड हिज एज ए वाइफ ड्रैगड द टाइगर टू द कार एंड शोन इन इट इन टू द सीट द दीवार हिमसेल्फ ड्रोन द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर महाराजा वाज हंटिंग व्हेन दे रीच्ड द फॉरेस्ट द टाइगर लॉन्च्ड इट्स सत्याग्रह एंड रिफ्यूज्ड टू गेट आउट द कार द दीवार वाज थ्रोली एक्सक्यूज्ड इन हिज एक्सक्यूज्ड इन हिज एफर्ट टू होल्ड द बीस्ट आउट ऑफ द कार एंड पुश इट डाउन ऑन टू द ग्राउंड। अब यहाँ पे जो दीवार और उसकी वाइफ है जो बूढ़ी हो चुकी है, वो दोनों टाइगर को ड्रॉप करके जैसे तैसे कार में बिठाते हैं कार की सीट पे, फिर वो दीवार वो सीधा कहाँ जाता है, जब फॉरेस्ट में जहाँ महाराज है शिकार करने के लिए, और वहाँ पे जहाँ पर महाराज रहते थे वहाँ पे वो सीधा चल जाता है टाइगर को लेके, और वो बहुत ही ज़्यादा ट्राई करते हैं टाइगर को कार से बाहर निकालने के लिए, पर सत्याग्रह टाइगर जैसे सत्याग्रह क्या है ना, वो कोई मूवमेंट करते हैं ना मिल रहा है, पर सत्याग्रह करके बैठा हुआ है एक जगह पे, वो कार से बाहर नहीं निकलना चाहता है, वो रिफ्यूज़ कर रहा है कार से बाहर निकलना, जैसे उन्होंने सत्याग्रह किया। सत्याग्रह इसलिए फेमस क्या हुआ क्योंकि अभी वहाँ पे जो ब्रिटिश राज चल रहा था, मतलब हिंदुइज़म में जो मतलब इंडियंस थे वो सत्याग्रह करते थे, तो सत्याग्रह इसलिए यहाँ पे यूज़ किया गया, इसका बहुत इन्फ्लुएंस था यहाँ पे। द दीवान वॉज थ्रोली एग्जीक्यूटेड, अब दीवान बहुत ज़्यादा थक जाता है, उसको बाहर बार बार बाहर निकालने की कोशिश करने में वो बहुत ज़्यादा थक जाता है, लास्ट में वो टाइगर को बीस्ट को मतलब टाइगर को बाहर निकाल देता है अपनी कार से और ग्राउंड के ऊपर उसको मतलब ग्राउंड के थ्रू ग्राउंड पे उसको नीचे रखता है, मतलब फिर कार से बाहर निकाल के धक्का देकर रखता वहाँ पर निकलता है। और द फॉलोइंग डे द सेम ओल्ड टाइगर वंडर इन टू द महाराज प्रेजेंस एंड स्टूड एज इन हम्बल सप्लिकेशन मास्टर व्हाट टू यू कमांड ऑफ मी। अब यहाँ पे टाइगर की मूवमेंट क्या होती है, वो बाहर निकलता है और महाराज के सामने ऐसे जगह खड़ा हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, बस मतलब कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, बस वो ऐसे ऐसा खड़ा हो जाता है जैसे हम्बल ही एकदम सरप्राइजली कि मास्टर बस आप मुझे हुक्म दो जो आप बोलोगे वो मैं करूँगा, ऐसे एकदम काम जैसे वो ऐसे एकदम अपना सर झुका के महाराज के सामने खड़ा रह जाता है। आगे की स्टोरी है वो हम पार्ट फाइव की वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आज की स्टोरी है जो मैंने पार्ट फाइव की वो यहीं तक रखेंगे, आगे की वीडियो में देखेंगे कि टाइगर की क्या मूवमेंट होती है और महाराजा जो 100 टाइगर का जो बॉम्ब ले 100 टाइगर किल करने के लिए जो बॉम्ब लिया उनसे वो पूरी होती है नहीं होती है, महाराजा 100 टाइगर को मार देंगे अगर तो फिर भी उनकी मौत टाइगर से होती है नहीं होती है वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे, जो है वो मैं आपको आगे की वीडियो में पूरी स्टोरी जो आगे के लिए वो बताऊँगी। तब तक के लिए नाइस डे एंड थैंक यू।